हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन म्यूजिक एकेडमी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स एंड दिस इज द चैप्टर थ्री। तो चैप्टर थ्री को देखेंगे आज हम, और चैप्टर थ्री के होल नंबर्स कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे होल नंबर्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर्स के बारे में जानेंगे, लिस्ट एंड द लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर्स जानेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, क्लोजर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट होल्ड गुड फॉर द सब्ट्रैक्शन, इन सब के बारे में जानेंगे, एंड डिवीजन, आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन द होल नंबर्स। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं होल नंबर्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जहां पे आप जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं, इसका मतलब आप बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स के बारे में, कि काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, और ये आप इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। जब इसी काउंटिंग को आप जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, जब यही काउंटिंग आपका जीरो से स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेक व्हाट यू नो के अंदर कि क्या दिया हुआ है आपके लिए। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यहाँ पे चेक व्हाट यू नो में क्या दिया है, फिल इन द मिसिंग नंबर और सिंबल्स टू मेक द इक्वेशंस करेक्ट। या तो नंबर डालना है या सिंबल्स डालना है। अब यहाँ पे 50 प्लस डैश इज इक्वल टू 20 प्लस 50 होगा, तो 20 प्लस 50 70 होता है, तो 50 में कितना ऐड करेंगे, 20 आ जाएगा। 10 प्लस 0 इज ऑलवेज 10, 2 प्लस 10 इज इक्वल, सॉरी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, 55 प्लस डैश इज इक्वल टू 55, तो यहाँ जीरो ऐड कर देंगे 55 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 67 प्लस डैश इज इक्वल टू 68, तो 67 में हम 1 ऐड करेंगे, तो 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एसोसिएशन हो रहा है, तो 1 प्लस 2 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 प्लस 25 प्लस 35 है, तो 35 प्लस 25 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 15। डैश प्लस 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 40 प्लस डैश प्लस 120। तो देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 120 डालना है और यहाँ पे हमें 60 डालना है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रेफर करते हैं। तो नंबर लाइन पे होल नंबर्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और इनफाइनाइट टाइम्स में राइट हैंड साइड की ओर ये बढ़ता चला जाता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो लगा दें तो उसे होल नंबर कहते हैं, और जीरो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है नंबर लाइन पे। ऑन द नंबर लाइन होल नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि मैंने बताया, और बिगनिंग हमेशा जीरो से होगा, और ये एक्सटेंड्स टू infinite. So infinite number of whole numbers are possible. If anyone is ask you how many whole numbers are there, so you can say infinite numbers of whole numbers are there. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सक्सेसर एंड प्रेडिसर। देखो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है एक कदम आगे, और प्रेडिसर का मतलब होता है एक कदम पीछे। ठीक है, जो नंबर लाइन पे, जो नंबर नंबर लाइन के आगे मिलता है, राइट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, उसे हम सक्सेसर कहते हैं। नंबर इमिडिएटली टू द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, जैसे 2 के इमिडिएट राइट में कौन मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 क्या कहलाएगा, 2 का सक्सेसर कहलाएगा, तो सक्सेसर ऑफ 2 इज 3। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर जब कभी भी सक्सेसर निकालना हो तो आप उसमें क्या करोगे, प्लस 1 करोगे, क्या करोगे आप उसमें, प्लस 1 करोगे। उसी जगह पे प्रेडिक्शंस की बात करें, तो नंबर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड प्रेडिक्शंसर, उसको हम प्रेडिक्शंसर कहते हैं। और यहां पे क्या होता है, प्रेडिक्शंस ऑफ 7 क्या होगा, 6 होगा, तो 7 - 1, प्रेडिक्शंस 7 - 1 इज 6, तो प्रेडिक्शन ऑफ 7 क्या हो जाएगा हमारा, 6। तो प्रेडिक्शन के लिए हमेशा हम लेफ्ट की ओर चलते हैं, और सक्सेसर के लिए हमेशा हम राइट की ओर चलते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, सम फैक्ट्स ऑफ द होल नंबर्स। तो क्या है वो फैक्ट्स, सबसे पहला, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इट इज ओनली होल नंबर दैट डज नॉट हैव अ प्रेडिसर। ठीक है, जीरो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसर अवेलेबल नहीं है। Each whole number except zero has only one predecessor, that is the number to its left on the number line. हर एक नंबर का सिर्फ एक ही predecessor होगा, और वो number line पे उस number के left में मिलेगा। Each whole number has only one successor, और वो उस number के right में मिलेगा। Every whole number on the number line lies is the less than every whole number to its right. जो number line पे number है, वो अपने right वाले से छोटा होता है, but अपने left वाले से बड़ा होता है।
ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 के राइट में क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो 5 इन सभी नंबर से क्या है, छोटा है। और 5 के लेफ्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो 5 इन सभी नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लाइन इज अ ग्रेटर देन एवरी होल नंबर टू इट्स लेफ्ट, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैपिड चेक एंड एक्सरसाइज 3.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।